वो दिन कितने प्यारे
शांति ओम शांति। अव्यक्त इशारे साधनों को आधार बनाने के बजाय साधन के आधार से साधनों को यूज करो, ब्रह्मचारी बनो। जैसे ब्रह्मा बाप साधारण तन में होते भी पुरुषोत्तम अनुभव होते थे, सभी ने देखा या सुना है। अभी अव्यक्त रूप में भी साधारण में पुरुषोत्तम की झलक देखते हो, ऐसे फॉलो फादर। काम भल साधारण हो लेकिन स्थिति महान हो, चेहरे पर श्रेष्ठ जीवन का प्रभाव हो, हर चलन से बाप का अनुभव हो, इसको कहते हैं ब्रह्मचारी। ओम शांति। ओम शांति। आपका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। ओम शांति। आपका स्वागत है व्यक्ति परिवार में। आज है 17 करण करावन हार, हर संकल्प में समर्पण। अब दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। इज एवरीवन ओके? सब ठीक है, सब अच्छे हैं, सब राजी खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है ये सुन के, देखकर। बाबा कहते हैं कई बार बाबा जिस तरीके से हमारी पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं तो हमें उसको उस पर विश्वास करना है कि हम सबसे पवित्र श्रेष्ठ और रॉयल आत्मा है। तो ये पवित्रता है जो हमें श्रेष्ठ बनाती है, और जब हम श्रेष्ठ हैं तो हम रॉयल हैं, तो ये साधारण नहीं है। और फिर बाबा कहते हैं कि कैसे पूरे कल्प में यहाँ तक कि पापड़ में भी हमारे जो चित्र हैं उसकी भी पूजा हुई है बहुत रॉयल तरीके से, और सत्युग में हम देवी देवता के रूप में कितने रॉयल हैं। तो बाबा हमें पूरे पूरे कल्प में हमारी जो रॉयल्टी है उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो जब हम बाबा को सुनते हैं तो हम कहते हैं क्या हम ये हैं, बाबा पूछते हैं तो हम कहते हैं हाँ, लेकिन हमें प्रैक्टिकल में देखना है। और इसलिए ब्रह्मा बाबा का मिसाल हमारे सामने आता है कि कैसे ब्रह्मा बाबा जैसे कि अलौकिकता में भी रॉयल्टी है। जब हम अलौकिक होते हैं या स्पिरिचुअल होते हैं तो रॉयल्टी होती है उसमें, जिस तरीके से हम चाहे वो हमारी खुद का स्वमान है या हम औरों को सम्मान देते हैं, सभी को जो वो हैं, जो बाबा के लिए जो कर रहे हैं, उनका जो पुरुषार्थ है, बाबा के लिए प्यार है, उसके लिए हमें बहुत सम्मान है अपने दिल में सभी के प्रति। इसलिए जो भी है वो संकल्प से शुरू होता है। हम सब ने सुना होगा कि ब्रह्मा बाबा
के पास ब्रह्मा बाबा ने जो सबसे इम्पोर्टेंट सेवा की वो थी कि जब भी उन्होंने देखा या पाया कि कुछ आत्माएं बाबा के बच्चों को मदद चाहिए कहीं, तो बाबा बैठता था और अपने संकल्प से उन्हें लाइट और माइट देता था उन आत्माओं को, जैसे कि करंट देता था, और वो उसे महसूस भी करते थे। और जब वो महसूस करते थे तो वो परख पाते थे और निर्णय ले पाते थे कि हमें इस क्षण में क्या करना है। तो जैसे लाइट और माइट से उन्हें जैसे दिशा दिखाई देती थी बहुत स्पष्ट, और इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। एक बार एक निमंत्रण मिला था कुछ बहनों को कहीं जाने के लिए, सेंटर खोलने के लिए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो वो सही जगह नहीं थी। तो फिर वो वहां पहुंचे तो वहां थे वो, लेकिन जैसे बाबा को महसूस हुआ और बाबा ने कहा, बैठा बाबा और उन्होंने लाइट माइट भेजी बाबा ने, और उन्होंने तुरंत वहां पे निर्णय लिया कि जैसे ही वहां पे समाप्ति होगी वो निकल जाएंगे वहां से। तो कई बार ऐसा होता था। तो जो सही मायने में सेवा है, सच्ची सेवा, कोई भी कारण, कोई भी मुश्किल है, My this one is not well. This is तो happening. That's happening because कोई ना कोई जैसे कॉल करता है कि मेरा ये ठीक नहीं है, मेरा वो ठीक नहीं है। क्यों? ताकि हम उन आत्माओं को लाइट और माइट दे सके। तो जब हम उन्हें लाइट और माइट देते हैं तो न केवल उनका परखने की शक्ति, लेकिन निर्णय करने की शक्ति भी वो महसूस कर पाते हैं कि जो भी विघन है या जो कार्मिक बंधन है वो चुप्त हो रहे हैं, या जो भी भीतर की जो अंदर लड़ाई है या तो वो जैसे कि खत्म हो गई है, या जैसे कि वो खत्म हो गई है अचानक, जैसे उन्हें शक्ति मिलती है और उनमें हिम्मत आती है तो वो सेवा से कर पाते हैं लाइट माइट देके। और उसके लिए बहुत ही एकाग्रता की आवश्यकता है, मन बुद्धि की एकाग्रता। और उस एकाग्रता में न केवल मन इतना शांत और शुद्ध है, लेकिन उसी के साथ जैसे बाबा के साथ कनेक्शन है। ऐसा नहीं कि मैं दे रही हूँ सकाश, लेकिन मैं बाबा को याद कर रही हूँ और बाबा से फिर वो सकाश, उन्हें लाइट और माइट मिल रही है। आप समझ रहे ना कि ये मेरी लाइट माइट नहीं है, लेकिन बाबा लाइट हाउस माइट हाउस है जिसके थ्रू वो शक्ति उन्हें पहुंच रही है। क्योंकि मुझे ये रिक्वेस्ट आई या मेरा अटेंशन खिंचवाया गया तो मुझे बाबा को मैंने याद किया, और फिर बाबा उन्हें लाइट और माइट देता। और क्योंकि मैं उस एकाग्रता के साथ जब बैठती हूँ कि केवल एक की याद में बैठती हूँ एकाग्र चित्त, तो वो सेवा है जो बहुत महत्वपूर्ण है और बाबा ये शुरू से करता आया। तो जो मनसा सेवा है, संकल्प से जो सेवा, क्योंकि जब हम संकल्प से सेवा करते हैं वो मुझे भी मदद करता है, मेरी स्टेज बनाता है, और उसी के साथ वो औरों की भी सेवा कर पाता है। तो जब हम शब्दों से बोलते हैं तो वो सुनाई देता है, क्योंकि जैसे इंटरनेट के वजह से शब्द पहुंचते हैं, लेकिन उसका बहुत ही कम उसका प्रभाव है। हाँ, हमें कुछ समझ में आता है, लेकिन जब हम संकल्प से करते हैं तो चाहे मैं शब्दों से कर रही हूँ, लेकिन
उसका जो प्रभाव है जहां तक स्टेज है वहां तक पहुंचेगा, लिमिटेड है, उसकी हद है। जैसे कईयों को आदत होती है लेक्चर में अगर कोई कहानी कोई होता है तो लोगों को कहानी याद रहती है, अगर आप कोई उदाहरण देते हैं तो उन्हें उदाहरण याद रहता है, तो उसका भी इम्पैक्ट होता है, उसका भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन बहुत ही कम। इससे बाबा कहते हैं कि बोलते समय भी संकल्पों से भी सेवा करो। ये बहुत ही सुंदर स्थिति है जब हम कुछ बोल रहे हैं लेकिन हमारा जो मन की स्थिति है वो उस स्थिति में है, उस स्टेज में है। तो हमने देखा और महसूस किया कि हम जब साइलेंस में जाते हैं, बहुत गहराई में उतरते हैं, तो कहीं भी आप खड़े हो और चले तो वहां पे जैसे कि साइलेंस हो जाएगा, वो वातावरण बन जाएगा, और फिर हमें किसी को कुछ बोलने की आवश्यक नहीं है कि आप साइलेंस में रहे, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, जैसे कि स्वतः ही शांत हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारे कर्म हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी संकल्प बोल और कर्म के बारे में है ही उसी की। तो मैं बहुत ही ध्यान दे रही हूँ अपने कर्मों पे जो न्यूट्रल हो जाए, जिससे कोई कर्म बंधन कार्मिक अकाउंट ना बने, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बहुत है उसे चुकतू करने के लिए, तो फिर कैसे ये मुमकिन है। तो जैसे कि कहें कि अगर कुछ होता है, आप कार में हैं और आप कंफ्यूज हैं, मूंझ गए कि कुछ पता नहीं क्या करना है, तो आप अपना गियर को न्यूट्रल में डालते हैं, और फिर जब आप दो या तीन सो जस्ट कम इन टू योर इटर्नल सेल्फ ऑफ अपने प्योरिटी अनादि स्वरूप में टिके लव पवित्रता की, पीस और वो है स्नेह शांति। एनीथिंग यू हैव टू थिंक और से फर्स्ट क्रिएट दैट स्टेज इससे कुछ भी संकल्प इंटरनल करने से पहले वो स्थिति बनाए। तो जब हम उस न्यूट्रल में हैं तो हम जैसे कि अनादि स्थिति में हैं, और अनादि स्थिति में कोई भी कर्म बनता नहीं है, अकर्म हो जाता है। तो भूल जाए कि जैसे कि क्या हो रहा है या क्या बोला गया, लेकिन जैसे कि अपने अनादि स्वरूप में वापस आ जाऊं, और उसके बाद वो इतना शक्तिशाली हो जाता है। और उस स्थिति में जब हम बोलते हैं या सोचते हैं तो वो कर्म अकर्म हो जाते हैं, न्यूट्रल। बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है लेकिन बहुत सुंदर है। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि आप किसी प्रकार का अकाउंट नहीं क्रिएट करते, क्योंकि ज्यादातर जो भी हमारा कर्म होता है वो तो या तो अच्छे खाते में या खराब खाते में जाता है, प्लस या माइनस। लेकिन जब हम स्थिति में होते हैं अपनी अनादि स्थिति में, तो ना केवल कर्म चुकतू होते हैं लेकिन साथ ही कोई नया नहीं बनता, अकर्म हो जाता है। तो इससे मैं ये जो कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी किसी भी प्रकार की स्थिति में है, चाहे वो न्यारे प्यारे की स्थिति में, ये भी एक स्थिति है न्यारे प्यारे पन की, और उस स्थिति से जब आप संकल्प करते हो, जब आप बोलते हो, जब आप कर्म में आते हो, तो आप सेवा करते हो अपने संकल्प बोल और कर्म द्वारा। ब्रह्मा बाबा जस्ट गिव लाइट एंड माइट
केवल लाइट और माइट देते थे। हर आत्मा इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है और उसका अपना एक पार्ट है बजाने का, और उस आत्मा को हमें वो पार्ट बजाने के लिए उसे वो अलाउ करना है। ये अच्छा है कि हम मिसाल बने और दूसरे को उस मिसाल से वो कुछ सीख सके, क्योंकि आत्माओं में बहुत अच्छी बुद्धि है इन आजकल, और वो सीख सकते हैं, लेकिन जब हम मिसाल बन जाते हैं, एग्जाम्पल बन जाते हैं, तो वो उसे सीखते हैं। क्योंकि कई बार जैसे अगर मैं बहुत ही शांत हूँ, बहुत मुलायम हूँ, जेंटल हूँ, और मैं चाहती हूँ कि सब ऐसे हों, लेकिन हो सकता है उनका पार्ट अलग है, कि उन्हें जरूरी है कि वो उन्हें एक्टिव होना जरूरी है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। वो अपना पार्ट कैसे बजाएंगे? हो सकता है उनका कुछ पार्ट में ऐसी कुछ भिन्नता की आवश्यकता है। मैं जब अपने आप को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ कि मुझे बाबा से पालना मिली है, मम्मा से मिली है, दादियों से मिली है, लेकिन क्या मैंने सीखा उनको देखकर कि वो कैसे, वो कितने न्यूट्रल थे और कितनी परिस्थितियों में उन्होंने, तो वो समय लेते थे कुछ निर्णय लेने के लिए, क्योंकि वो कुछ ऐसा निर्णय नहीं लेना चाहते थे जैसे कर्म कार्मिक अकाउंट बन जाए। तो एक बार मुझे एक ईमेल मिला, मैं उसे पढ़ रही थी और मैं मुस्कुराई कि उन्होंने जो निर्णय लिया वो इतना न्यूट्रल था, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के हेड है, वो कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि हम सब इतने सावधान रहते हैं, केयरफुल रहते हैं कि हमें किसी के साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं करना किसी के साथ, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, शांत तरीके से उसको जवाब दिया। क्योंकि किसी के अंदर भी अगर कुछ भी थोड़ा सा अगर दुख रह जाता है तो उससे बहुत व्यर्थ उनका चलेगा और वो मेरे ही योग में बाधा बन जाएगा, इसलिए मुझे वो क्लियर करना होगा ताकि किसी के भी व्यर्थ ना चले, किसी का व्यर्थ संकल्प ना रहे। और साथ ही जब दूसरे जब अप्रिशिएट करते हैं प्रेस कि मैं बाबा आपके वजह से कर पा रही हूँ, तो इस तरीके से जो हम मिसाल देते हैं ये बहुत ही सूक्ष्म है। मुझे याद है एक बार किसी ने, एक ट्रैवल एजेंट ने कुछ बहुत सालों पहले तो कुछ कहा, तो मेरे पास सब आए कि आपको उसको डांटना चाहिए था, आपको उसको ये बोलना चाहिए था, वो बोलना चाहिए था। तो मैंने कहा कि आप मुझ पर छोड़ दो और मैं उसका ध्यान कर लूं, उसका केयर कर लूंगी। और फिर वो आए क्योंकि आपने आपने स्ट्रॉन्गली उसको कहा नहीं। मैंने कहा कल अगर ये आत्मा आती है पापा के घर पे, तो मुझे एग्जाम्पल बनना है ना, कोई भी, चाहे वो स्ट्रेंजर है, कहीं भी कोई भी, तो मेरे शब्द बोल, मेरी सोच ऐसी होनी चाहिए जिससे उनको मदद मिले ये सोचने के लिए कि क्या सही है। और सब कुछ सही हुआ, ऐसा नहीं कि कुछ ठीक नहीं हुआ, लेकिन मैंने कहा कि मैं इस तरीके से नहीं
आप व्यवहार करूंगी, क्योंकि आप ऐसा चाहते हैं। मैं कोई भी बच्चे को दुख नहीं पहुंचाना चाहूंगी। जब हम बाबा को फॉलो करते हैं, करण करावन हर हमारे बीच में आ जाता है, वो सब कुछ कराता है। आप समझ रहे हैं ना कि कैसे हमें अपनी ब्रह्मचर्य को रखना है, बनाए रखना है, हमेशा अपने कार्मिक अकाउंट के बारे में ध्यान रखना है कि कोई भी प्रकार से किसी का व्यर्थ ना चले मेरे लिए, क्योंकि मैं बोल से शायद ना मदद कर पाऊं, लेकिन शुभ भावना शुभ कामना से मुझे हर चीज को क्लियर करना है अपने कर्मों के खाते को, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बुद्धि फुल हो सकती है अगर बुद्धि खींची जाती है जब कोई कार्मिक अकाउंट होता है, और जब हमारी बुद्धि खींची जाती है तो फिर मैं पास विद ऑनर नहीं हो सकती। तो ब्रह्मा बाबा के साथ के अंत में भी उन्हें एक संकल्प भी नहीं आया कि कौन इस यज्ञ को देखेगा। उन्होंने अपना हाथ दादी प्रकाशमणि के हाथ में रखा और प्रकाशमणि दादी ने यज्ञ को संभाला। इसलिए चाहे वो संकल्प हो मन में या बुद्धि में, हमें अच्छा मिसाल बनना है, और बाबा करण करावन हार सब कुछ करता है क्योंकि हम उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो हर चीज को ठीक करता है। इसलिए याद, हमें अच्छा मिसाल बनना है, बाबा को फॉलो करना है, माना ब्रह्मचारी बनना है। और फिर बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं वो करूंगा, और हम फिर खुश होते हैं कि मैं साक्षी हूँ और बाबा करा रहा है। लेकिन अगर मैं अच्छी एग्जाम्पल हूँ तो, और एग्जाम्पल है सरेंडर होना, समर्पण भाव। मैं हमेशा बाबा को कहती हूँ कि बाबा मुझे किसी चीज में नहीं पड़ना। बाबा कहते हैं अच्छा, बाबा करेगा, बाबा कराएगा, वो करता है। और हम फिर जादू देखते हैं बाबा का, और हम फिर उसकी महिमा गाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। कल का होमवर्क है करण करावन हार, हर संकल्प में समर्पण, हर संकल्प बेहद की सेवा में समर्पित हो, हर बोल में निस्वार्थ भाव हो, हर कर्म में करण करावन करा रहा है ये वाइब्रेशन सर्व को अनुभव हो, बाबा बन आ जाए हर संकल्प में, हर श्वास में बेहद और बाबा समाया हुआ हो। ओम शांति। व्यक्ति परिवार, आज बहुत ही